Okay. الحمد لله الحمد لله الذي نحمده وَنَسْتَعِينُ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال تعالى الرحمن علم القران وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا في سبيل العلم سهل الله له طريقا الى الجنه او كما قال عليه الصلاه والتسليم وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلمه او كما قال عليه الصلاه والتسليم. जिंदगी मांगो किसी से न महबत मांगो तख्त मांगो न कोई ताज़ो हुकूमत मांगो झूठी दुनिया है ये दुनिया की न शोहरत मांगो सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो इल्म इंसान को इंसान बना देता है इल्म बे माया को सुल्तान बना देता है इल्म अल्लाह अगर दे तो अमल भी दे, दे। वरण ये वो है कि शैतान बना देता है इल्म सीखोगे तो तकदीर सवर जाएगी जिंदगी न अंधेरों में गुजर जाएगी इल्म जिसको नहीं मंजिल वो कहां पाता है ठोकरें राह में खा खा के ही मर जाता है सदीम वसद रसूल नबील करीम बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों बुजुर्गों और साथियों और खास तौर से तमाम वो तलबा जो इस वक्त इल्म हासिल कर रहे हैं चाहे वो हाफ़िज़ बन रहे हो आलिम बन रहे हो जिस तरह से भी ख़ास तौर से जो दीनी उलूम की तरफ बढ़ रहे हैं दिल की गहराइयों से मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जहाँ तक बात करें इल्म की अहमियत पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं इल्म को दो हिस्सों में तकसीम करने का कायल नहीं हूं जी हाँ लेकिन ये तो बात है कि दीनी की जो फजीलत है दीनी का जो तकदस है कुरान और हदीस से नस्बत रखने वाले ओलूम का जो एहतराम है जो फजीलत है जो मकाम है इसका इनकार नहीं किया जा सकता प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर से ये कहा है और क्लियर ये वाज हो जाता है अल्लाह के हबीब ने फरमाया फरमायान ए लोगो सुनो 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 ए मेरे प्यारे बच्चों तो प्यारी बच्चियों इस बात को समझ लो प्यारे अका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये साफ फरमाया खरुकम तुम में सबसे ज्यादा बेहतर तुम में सबसे ज्यादा आला मकाम वाला सबसे ज्यादा ऊंचे मकाम वाला कौन है सबसे ज्यादा बेहतर कौन है तो नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया खैरकम मनता वबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए जी मैं बात करूंगा इस पर थोड़ी सी लेकिन पहले इल्म के ताल्लुक से तालीम के ताल्लुक से एजुकेशन के ताल्लुक से इतना ज़रूर कहूंगा मैं बड़े बड़े कॉलेजेस में भी गया स्कूलों में गया मैं हर तरफ पूरी उम्मत के सामने ख़ास तौर से उम्मत मुहम्मदिया के सामने मुमिन के सामने मुसलमानों के सामने खासतौर से मैं ये पैगाम रखता हूँ कि इस बात को समझ लो इतना अहम है तालीम इतनी अहम है एजुकेशन इतनी अहम है शिक्षण इतना अहम है कि अल्लाह ने पवित्र कुरान में कुरान मुक़दस में छः हज़ार छः सौ आयात हैं आया थे छह हजार छह सौ छसठ आया थे लेकिन आप देखें कि इन छः हज़ार छः सौ छःसठ आयात में तमाम चीज़ों का हुक्म है रोज़े का भी हुक्म नमाज का भी हुक्म है ज़क़त का भी हुक्म सदके का भी हुक्म खैरात का भी हुक्म है हज का भी हुक्म है न जाने कितने कामों के करने का हुक्म है न जाने कितने कामों से रुकने का हुक्म है लेकिन आप देखें कि कुरने पाक में जहाँ नमाज का हुक्म ज़क़़त का हुक्म रोज़े का हुक्म सदके का हुक्म हज का हुक्म खैरा का हुक्म ये सारे हुक्म हैं लेकिन कर्न पाक में रोज़ा नमाज खैरात हज उमरा ने किया इन तमाम चीजों का हुक्म पहले नहीं दिया गया रोजा नमाज का हुक्म पहले नहीं दिया गया बल्कि कुरान में सबसे पहली आयत जो उतरी है हुक्म के तौर पर जो अल्लाह का सबसे पहला आदेश और संदेश आया है तो वह यही आया है इकरा पढ़ो तालीम हासिल करो शिक्षण हासिल करो एजुकेशन की अहमियत कुरान बाद में आप देखें कि पहली आयत जो प्यारे अक् मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल हुई है वो यही थी बिस्म रबी खलक़ ए मोहम्मद पढ़ उस रब के नाम से तेरे रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया तो कुरान में तमाम नेक कामों में सबसे पहले हुक्म अगर किसी चीज़ का दिया गया है तो वो पढ़ने का हुक्म दिया गया है यानी आप अंदाज़ा लगाएं मुसलमानों को तो सोचना चाहिए कि तालीम कितनी ज़रूरी है कि छः हज़ार छः सौ आयतों में अल्लाह ने सबसे पहले एक पढ़ने का हुक्म दिया है अब मैं जलगांव शहर में रहता हूं तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इदारा है अरा एजुकेशन सोसाइटी तो मैं कभी कभी हंसते हंसते हुए यहाँ के मुसलमानों को कहता हूँ कि अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया और के माने हैं पढ़ो अकररा के माने ये नहीं है कि सिर्फ़ अकररा कॉलेज में पढ़ो जब मैं हंसते हंसते हमारे यहाँ कहता हूँ जलगाँव शहर में अरा के माने है पढ़ो तालीम हासिल करो चाहे कहीं भी तालीम हासिल करो मगर इल्म तालीम एजुकेशन मस्ट कंपलसरी आज मुझे खुशी हो रही है कि हमारे नौजवान मुफ्ती है जी हाँ हमारा खादिम है एक हमारा मुरीद है रिहान शाह हमारे ज़िले बोधवड़ का ही रहने वाला है उसके ज़रिए से मुफ्ती साहब से ताल्लुक़ हुआ है मुफ्ती यूसुफ असद साहब तो मुझे जानकर खुशी हुई कि मुफ्ती यूसुफ साहब जो है वो दीनी उलूम को किस तरीके से फैलाना है और वो हमारे बच्चे जो खास तौर से असरी उलूम हासिल कर रहे हैं टेंथ में हैं ट्वेल्थ में हैं कॉलेजों में हैं स्कूल में हैं दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं उन तक भी कुरान की तालीम को कैसे पहुँचाना वो भी हाफिज बने वो भी आलिम बने वो भी दीन सीखें वो भी दीन समझें तो कैसे तालीम हासिल कर रहा है तो मैं मुफ्ती मुबारकबाद पेश करता हूं 2019 से जैसे मैंने जानकारी हासिल की है कि उन्होंने आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन इदारा शुरू किया क्योंकि आजकल पूरी कौम जो है 99 नाइन परसेंट कहू तो गलत ना होगा कि ऑनलाइन है मेरा एक बयान हुआ था आज से चार महीना या पांच महीना पहले जो जुमा का मेरा जो लाइव बयान होता है उसमें एक बयान हुआ था जिसमें मैंने कहा था प्यारे बच्चों आप सुनो खासतौर से तलवा स्टूडेंट्स बेटे बेटियां सब इस पैगाम को सुने तो मैंने उस, उस बयान का उन्वान रखा था अल्लाह ऑनलाइन है जैसे आप ऑनलाइन रहते ना हमेशा फेसबुक पर ट्विटर पर इंस्टाग्राम पर व्हाट्सएप पर जैसे आप ऑनलाइन रहते हैं तो वैसे ही मैंने उस बयान में कहा था कि अल्लाह ऑनलाइन है ओ मेरे प्यारे बच्चों ओ मेरी प्यारी बच्चियों इस पैगाम को समझ लो जितने लोग मुफ्ती यूसुफ़ असद साहब के ज़रिए से ख़ास तौर से जो ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं दीन की वो भी इस बयान को सुन लें कि अल्लाह हमेशा ऑनलाइन है हम कभी ऑफलाइन होते हैं और कभी एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हम हमेशा के लिए ऑफलाइन हो जाएंगे मौत आ जाएगी लेकिन अल्लाह न उसको ऊँग आती है उसे नींद आती है वो हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला है वो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाला है तो वो अल्लाह ऑनलाइन रहता है इसलिए आप रह रहे हो और बात है जो नेटवर्क आज आ गया है आज मेरी कौम के नाइनटी नाइन परसेंट यूथ और जवान मोबाइल में लगे हुए हैं तो आपसे कहूंगा ऑनलाइन एजुकेशन जो दो हजार उन्नीस से मुफ्ती यूसुफ असद जो दे रहे हैं मैं आपसे कहूंगा कि उससे जुड़ और यह नेटवर्क जिसके जरिए से शैतान गुनाहों को आम कर रहा है गंदगियों को फैला रहा है उसी ऑनलाइन उस नेटवर्क के जरिए से आप आलिम बनिए आप हाफिज बनिए तो खैर आइए मैं फिर आगे इसकी तफसील करूंगा लेकिन मुझे खुशी है कि 2000 से ज्यादा तलबा ने आज तक मुफ्ती यूसुफ असद के इस ऑनलाइन इदारे से फायदा उठाया है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे मुफ्ती मौलाना कलीम साहब सिद्दीक़ी ये 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 कोई तारुफ का मोहताज नाम नहीं है हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब के हाथों सैकड़ों हज़ारों लोगों ने उनके हाथों पर ईमान कबूल किया है और एक बड़ा नेटवर्क उनका दावती लाइन से चलता है मुफ्ती मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब की सरपरस्ती में यह मुफ्ती यूसुफ असद साहब इदारा चला रहे हैं तो इसलिए भी और जानकर खुशी हुई लेकिन आइए अब मैं आपको थोड़ी सी बात कर लेता हूँ तालीम इल्म एजुकेशन और शिक्षण मैंने आपको शुरू में कहा कि ये कितना अहम है कितना अहम है कि अल्लाह ने रोजा नमाज हज जका सदका खैरा इसका हुक्म पहले नहीं दिया अल्लाह ने सबसे पहले हुक्म दिया पढ़ो तालीम हासिल करो जी हां तालीम हासिल करो सबसे पहले इसलिए मैंने शुरू में इशार क्या पढ़ा प्यारे बच्चों इन अशार को दिमाग में रखो मैंने शुरू में तालीम की अहमियत पर अशार पढ़ा कौन से कि जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो झूठी दुनिया है ये दुनिया की ना शोहरत मांगो सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो और इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी जिंदगी वरना अंधेरों में गुजर जाएगी इल्म जिसको नहीं मंजिल वो कहाँ पाता है करें, राह में खा-खा के ही मर जाता है लेकिन फिर एक शेर मैंने उसमें ये भी कहा कि इल्म अल्लाह अगर दे तो अमल भी दे दे वरना ये वो है कि शैतान बना देता है आज दुनिया के बहुत सारे उलूम हासिल करके लोग क्या कर रहे हैं धोखे दे रहे हैं जी हा धोखे दे रहे हैं? जाहिलों को फंसा रहे हैं अपने इल्म का अपने नॉलेज का अपनी सलाहियत का अपनी काबिलियत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए इल्म अल्लाह अगर दे तो अमल भी दे दे खैर आइए तो मैं तो मैंने शुरू में कहा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी कॉम मैं बिल्कुल असरी और दीनी को मैं अलग अलग बताकर बयान करने की कोशिश नहीं करता हूँ और किसी को मैं निचला या हकीर या घटिया नहीं बताने की कोशिश करता हूँ मैं तो ये चाहता हूँ हम तो ये चाहते हैं कि मेरी कौम में बेहतरीन इंजीनियर भी हो बेहतरीन डॉक्टर भी हो बेहतरीन लॉयर भी हो बेहतरीन वकील भी हो मेरी कौम में जज भी हो पुलिस वाले भी हो इंस्पेक्टर भी हो आई भी हो प्रोफेसर भी हो कलेक्टर भी हो हमारी ख्वाहिश है तमन्ना है लेकिन मेरे भाई हो दीन भी तो होना चाहिए क्योंकि जाएगा तो साहब दीन साथ जाएगा जाएगा तो कुरान साथ जाएगा जाएगा तो कुरने इल्म साथ जाएगा और मेरे नबी ने कहा है कि सबसे बेहतर इल्म वो है और सबसे बेहतर लोग वो हैं देखो आज हम दुनियावी अगर किसी ने डिग्री हासिल किया है तो हम उसको एक अलग एकदम हाई फाई निगाह से देखते हैं बल्कि मैंने दुनियादारों को देखा है कि अगर कोई दुनिया का आईपीएस कलेक्टर आईएएस एसपी डीवाईएसपी कमिश्नर आया है तो मैंने दुनियादारों को देखा है जो घटिया हरकत करते हैं कि वो हाफिज जी को इमाम साहब को मौलाना साहब को उठा देते हैं और कहते हैं हाफिज साहब जरा आप थोड़ी देर आ जाइए आइए साहब कलेक्टर साहब आप बैठिए एसपी साहब आप बैठिए तो ये इस वजह से भी होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही दुनिया के इल्म को अहमियत दे देते हैं जबकि नबी पाक फरमा रहे हैं कि सबसे बेहतर इल्म तो वो है और सबसे बेहतर लोग तो वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको खुशनसीब समझ रहा हूँ प्यारी बेटियों मैं आपको खुश नसीब समझ रहा हूं कि नए दौर में अल्लाह ने आपको चुना है दीन के इल्म के जरिए इल्म के लिए और आप दीन इल्म हासिल कर रहे हैं कुरान का इल्म हासिल कर रहे हैं हिफ़ आप कर रहे हैं आलिम आप बन रहे हैं शॉर्ट इस्लामिक कोर्स के जरिए से आप ऑनलाइन इसका फायदा उठा रहे हैं आप खुश नसीब हो कि अल्लाह ने आपको दीन के इल्म के लिए चुना मेरे उस्ताद मोहतरम अक्सर ये जुमला कहा करते थे मेरे उस्ताद मोहतरम हमको मदरसे पढ़ने वाले बच्चों को ये जुमला कहा करते थे कि प्यारे बच्चों आप खुश नसीब हो कि अल्लाह ने आपको कुरान के हदीस के दीन के इल्म के लिए चुना आप खुश नसीब हो जी हां मेरे उस्ताद अक्सर ये कहा करते थे कि आप खुश नसीब हो कि दुनिया का जो सबसे इल्म है जो कबर में भी काम आएगा हशर में भी काम आएगा आखिरत के मैदान में भी काम आएगा अल्लाह के दरबार में भी काम आएगा जी हाँ जन्नत में भी उस इल्म वाले का कितना मकाम होगा और मैं आपको बताऊँ कि दीन का इल्म जिसके लिए आप को अल्लाह ने चुना है और आप ऑनलाइन ही सही मगर दीन का इम हासिल करें आप सुन लो दीन के इल्म का क्या मकाम है एक हाफ मिसाल के तौर पर हाफिस हाफिज का क्या मकाम है ओ प्यारे बच्चों, ओ प्यारी बच्चियों, हाफिज का कितना ऊंचा मकाम है कि प्यारे आकाश असलम फरमाते हैं जी हाँ प्यारे आका फरमाते क्या फरमाते हैं प्यारे आका ने फरमाया कि हाफिज़ कुरान का ये मकाम होगा कि जब वो अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा जब वो अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा तो अल्लाह उससे ये कहेगा या हाफिजल क़ुरान ओ कुरान के हाफिज ओ कुरान के याद करने वाले इकरा वर्तकी इकरा वर्त जो कुरान की आयतें तुझे याद है पढ़ता जा पढ़ता जा और जा, जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा चढ़ता जा <laughs> ये तो जनाब है मकाम एक माफिज कुरान का जिसको आज दुनिया कुछ नहीं समझती है सबसे कम पेमेंट भी हमारे हाफिज जी की है सबसे कम पेमेंट भी हमारे मौलाना साहब की है क्योंकि वो आईपीएस नहीं है ना वो कलेक्टर नहीं है ना वो एम नहीं है ना वो पीएचडी नहीं है ना वो प्रोफेसर नहीं है ना आज स्कूल में ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार और ए फॉर ए पलर बी फॉर बॉल पढ़ाने वाले की पेमेंट तीस हजार चालीस हजार और हमारे हाफिज जी नहीं मुफ्ती साहब इस्लामिक लॉयर जो अल्लाह की शरीयत का इल्म कुरान का इल्म जानते हैं और हमारी रहबरी करते हैं आज अगर ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि उसकी पेमेंट दुनिया में सबसे कम इमाम साहब की पेमेंट सबसे कम लेकिन अब आप पेमेंट के नजरिए से इसको मत देखो दुनिया इनका एहतराम नहीं कर रही हाफिज़ जी का ये मत देखो बल्कि ये देखो कि अल्लाह के यहाँ उसका यह मकाम है कि हाफिज़ कुरान से अल्लाह कहेगा ओ मेरे कुरान के याद करने वाले ओ मेरी किताब के याद करने वाले ओ मेरे कुरान के हाफिज तेरा ये मकाम है कि तू पढ़ता जा जो आयत तुझे याद है पढ़ता जा पढ़ता जा पढ़ता जा जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा चढ़ता जा चढ़ता जा, चर्ता जा। क्या मकाम है? के। और उसके मां बाप का भी बड़ा ऊंचा मकाम होगा आज माँ बाप भी, भी मां बाप का क्या मकाम होगा मां बाप का जनाब ये मकाम होगा आज हमारे रिश्तेदार अगर कोई हाफिज बना रहा है अपने बच्चे को आलिम बना रहे हैं तो दूसरे रिश्तेदार उसको कहते हैं भाई उसको कहते हैं क्या आप? कमाया नहीं कुछ कमा के रखा होता तो बेटे को डॉक्टर बनाता एक करोड़ भरता उसका एम बी बी एस के लिए उसको बड़ा डॉक्टर बनाता इंजीनियर बनाता और जो माँ बाप हाफिज़ और आलिम बना रहे हैं तो रिश्तेदार भी भाई भी उनको थोड़ा सा निचली नज़र से देखते हैं उनसे रिश्ता भी नहीं रखते हैं, उनको बेटियाँ भी नहीं देंगे क्योंकि हाफिज़ जी है उसका बेटा मौलाना है उसका बेटा लेकिन ये सारे होशियार अक्लमंद रिश्तेदार हशर के मैदान में इनको पता चलेगा कि कौन सा बाप होशियार था तू होशियार था अपने बच्चों को इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बनाने वाला तू होशियार था या ये या 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 हाफिज बनाने वाला होशियार था सुनो आओ मैं नहीं कह रहा हूं तो थोड़ा बुरा भी लगती होगी आप लोगों को लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे नबी ने कहा है मेरे नबी ने यह कहा है कि हाफिज़ कुरान की माँ को हाफिज़ कुरान के बाप का ये मकाम होगा हशर के मैदान में नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाफिज़ कुरान की माँ को हाफिज़ कुरान के बाप को, को, को अल्लाह नूर के मिंबरों पर बिठाएगा अल्लाह नूर के मिंबरों पर बिठाएगा और हाफिज़ जी की माँ के सर के ऊपर हाफिज़ जी के बाप के सर के ऊपर अल्लाह एक ताज पहनाएगा ताज रखेगा मैं नहीं कह रहा हूं नबी फरमा रहे हैं। अल्लाह हाफिज के मां के सर के ऊपर हाफिज़ के बाप के सर के ऊपर एक ताज रखेगा नबी ने फरमाया उस ताज की रोशनी आफ्ताब महताब सूरज और चांद से ज्यादा होगी लोग देखकर कर ताज़ करेंगे कि ये कौन है जिनको इतनी इज्जत अल्लाह दे रहा है नूर के मिंबर ऊपर बिठा रहा है इनके सर पर अल्लाह ताज पहना रहा है ये कौन है जिनको इतनी मिल रही है तो नबी करीम वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया वाले देखेंगे कि ये वो मां बाप होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज बनाया है अपने बेटों को अपनी बेटियों को हाफिज कुरान बनाया है तो ये ये मकाम होगा अब सच बताओ दिल से बताओ मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों अगर आप ऑनलाइन ही सही मगर आप दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं हाफिज बन रहे हैं हाफिजा बन रहे हैं आलिम बन रहे हैं आलिमियत कर रहे हैं तो आप कितने नसीब है और आप अगर आलिम बन जाते हैं आप अगर हाफिज बन जाते हैं तो आपके माँ बाप को भी आपकी वजह से अल्लाह कितना ऊंचा रुतबा और मकाम देगा जी हाँ कितना ऊंचा रुतबा और मकाम देगा तो दुनिया वालों की तरफ ना देखो दुनिया वालों की तरफ ना सोचो दीन का इल्म जरूर हासिल करो फिर मैं कह रहा हूं कि हम दुनिया के इल्म हासिल करने से आपको नहीं रोक रहे हैं हम आपको बड़ी से बड़ी दुनिया की <laughs> डिग्रियां हासिल करने से नहीं रोक रहे हैं बिल्कुल हासिल कीजिए लेकिन आज जमाना जमाने में कितनी आसानियां हो गई है देखो आज जैसे मुफ्ती हमारे यूसुफ असद साहब है ऑनलाइन वो आपके घर बैठे आप ऑनलाइन तालीम हासिल कीजिए दीन का इल्म हासिल कीजिए आलिम बनिए हाफिज बनिए शॉर्ट इस्लामिक कोर्स के जरिए से आप दीन की मालूम दीन का इल्म हासिल कीजिए आप जानिए इनके बारे में कि लड़कियों के लिए भी बाकायदा ये ऑनलाइन इदारा चलाते हैं उनका वक्त कब है लड़कों का वक्त कब है तो ये ये एक अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया है कि आप घर बैठ कर भी दीन का इल्म हासिल कर सकते हैं अभी वैसे तो मैं हंसते हंसते कहता हूँ कि कोरोना ने तो बहुत सारी चीज़ें सिखा दिया मेरे भाई कल उलमा की जूम मीटिंग हो रही थी तो मैंने वहाँ पर थोड़ा सा हंसते हंसते कह दिया कि कोरोना ने उलमा को भी जूम सिखा दिया कैमरे पर आना सिखा दिया और अभी एक साल से मदारस बंद हैं तो मैंने खुद देखा कि बाकायदा शेख उहदीस शेख उ तबसीर बड़े बड़े भी बाकायदा ऑनलाइन कैमरे के सामने आकर दरस बुखारी दे रहे हैं दरस हदीस दे रहे हैं कुरान सिखा रहे हैं दरस तफसीर कर रहे हैं तो अब ऑनलाइन तो बहुत सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं नहीं? <laughs> मैं तो ये भी हंसी आ रही है कि आप मदरसे नहीं जा रहे आप तो घर पर माँ के हाथ की प्यारी प्यारी रोटी खा रहे हैं माँ के हाथ का सालन खा रहे हैं बिरयानी खा रहे हैं ओ मेरे यारो ओ मेरे बच्चों बच्चियों आपको क्या बताएं कि हमने पंद्रह साल मदरसों में कैसे गुजारे हैं आज लोग कभी कोई आलिम बड़ा हो जाता ना कोई मुफ्ती और लोग उसकी कदर करते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठता है अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है अल्लाह उसको रुतबा देता है तो कई दुनियादारों के पेट में बड़ी तकलीफ़ होती है लेकिन वो ये नहीं देखता कि हमारी जिंदगी इब्तदा हमारी कैसी गुजरी है इब्तदा में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने कैसी दाल दाल बल्कि हंसते हुए कह रहा हूं कि जब दाल हमारे यहां मदरसे में बहुत पतली हो जाती थी तो हम हमारे उस्ताद को हमारे जो जिम्मेदार थे मरहूम मौलाना रियाजुद्दीन फारूकी नदवी औरंगाबाद में काशुलूम में मेरी इब्तदाई तालीम हुई है तो हम मौलाना को दाल बहुत पतली है यह बताने के लिए किस स्टाइल से बात करते थे थे आपको हम पूछते थे कि हजरत अगर इत्तेफाक से अगर पानी नहीं मिल रहा है और नमाज का वक्त हो गया तो क्या हम इस दाल से तय कर सकते हैं वजू कर सकते हैं <laughs> यानी आप अंदाजा लगाए मेरे बच्चों बच्चियों क्या करूं वक्त भी खत्म हो रहा है मैं आधा घंटे का मैंने वक्त लेकर चला था मैं आपको क्या बताऊं कि मदरसों में हमने कैसी कैसी तकलीफें बर्दाश्त की है आज तो जनाब आज तो उस्ताद मार नहीं सकता है मार नहीं सकता है लाठी नहीं उठा सकता है हमने उस्तादों की जो मार खाई है जो मार खाई है ना उस्तादों की तो हम जिक्र भी नहीं कर सकते मेरी ख्वाहिश थी मेरा बेटा फरहान जिसका भी महीने पहले इंतकाल हुआ बीस साल की उम्र में इंतकाल हुआ एक ही बेटा बचा था पूरा खानदान कहता था इसको बेहतरीन डॉक्टर बनाओ बेहतरीन ये बनाओ वो बनाओ मैं कहता था नहीं पहले मैं इसको हाफिज बनाऊंगा पहले मैं इसको आलिम बनाऊंगा फिर इसके बाद इसको दुनिया की जो डिग्री देना है मैं उसको दिलवाऊंगा जी हाँ लेकिन अब किस्मत वो आ, आलिमत का आखिरी साल तक पहुँच गया था और अल्लाह ने उसको बुला लिया खैर ये भी अल्लाह का एहसान है कि प्यारे आकश ने फरमाया है कि जो इल्म हासिल करते हुए मर जाए वो शहीद है तो मेरा बेटा तो शहीद होकर चला गया शहीदी का रुतबा वो पा गया मदर आलिम बनते बनते दुनिया से गया लेकिन मैंने खुद ने ये सोचा था कि पहले मैं उसको हाफिज आलिम बनाऊंगा पहले मैं उसको नोटे छापने की मशीन नहीं बनाऊंगा बल्कि मैंने एक जगह कई मरतबा बयानों में लोगों से कहा कि भैया ज़्यादा नोटें छापने की मशीन मत बनाओ अपनी औलाद को क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे बेवकूफ़ जिम्मेदार बैठे हुए जो कभी भी रातों रात नोटें बंद करा देते हैं <laughs> रातों रात, रात नोटें बनो जाती है तो ज़्यादा नोटें छापने की मशीन मत बनाओ कुछ औलाद को दीन भी इतना सिखाओ इतना दे दीन के कलहशर के मैदान में वो तुम्हारे काम आए आज हम दुनिया के बड़े से बड़ा डिग्री बच्चों को दिला देते हैं लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कब्रस्तान में कि माँ की मैयत आई बाप की मैयत आई और बेटा हाहा हा, 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 प्रोफेसर वकील जज एस पी डी वाई एस पी डिग्री बड़ी, बड़ी बड़ी लेकिन बेटे को माँ बाप ने इतना भी दीन का इल्म नहीं सिखाए वो मां बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा सके ओ यारो तो दुनिया कमाने में इतने मस्त मत हो जाओ अपने बच्चों के दीन की मैं माँ बाप से भी कह रहा हूं कि अपने बच्चों की दीन की फिक्र करो उनको दीन का बेहतरीन इल्म दिलाओ उनके लिए दीन पर मेहनत करो उनको दीन के साथ दुनिया के साथ साथ सा, ठीक है ना दुनिया आप उनको हासिल करवाएं लेकिन दुनिया के साथ साथ आप उनको दीन की तालीम भी दें अगर आपके इलाकों में मकतब चलते हैं अलहमदल अब तो इलाकों में मकतब भी इतने प्यारे अच्छे प्यारे चल रहे हैं मकतब भी इतने प्यारे प्यारे चल रहे हैं कि लोग में भी हाफिज़ बन रहे हैं हमारा बच्चा है एक हाफिज अब्दुल हनान हुसैनी जो महाराष्ट्र का शेगांव है ना शेगांव शेगांव में एक के करीब लोहारा एक गांव है वहां पर वो मकतब चलाता है मैंने देखा उसके मकतब में बेहतरीन बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। और मकतब में स्कूल की तालीम हासिल करते हुए साथ साथ स्कूल के साथ साथ बाकायदा वो बेहतरीन हाफिज़ भी बन रहे हैं तो आप ऑनलाइन इदारा अगर आपके पास चल रहा है मुफ्ती यूसुफ असद अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप इनके इदारे से जुड़ें और ऑनलाइन तालीम हासिल करें बस मेरा आधा घंटा मुकम्मल हो गया मैं आखिर में समेटते हुए बात को इतना ही कहूंगा प्यारे बच्चों प्यारी बच्चियों आपसे कि एक अच्छा मौका है अल्लाह ने दिया है दीन का हासिल करें जी हाँ उलमा ने बड़ी मेहनत करके शॉर्ट इस्लामिक कोर्सेज भी लाया है शॉर्ट इस्लामिक कोर्सेस का फायदा उठाकर जो दिन की बुनियादी बातें हैं जो जरूरी बातें हैं वो हम हासिल करें और आप अक्सर वो हदीस भी सुनते होंगे कि अल्लाह के अल्ला हबीब ने फरमाया तोलब मुस्लिम के हर मुसलमान पर दीन का इल्म इल्म हासिल करना फर्ज है यहाँ पर तो हम अगर देखा जाए तो हम डायरेक्ट इल्म की बात करते हैं जी तलाबुलदत अल मुसलि और उल्मा कहते हैं कि हर मुसलमान पर दीन का इल्म हासिल करना इतना तो ज़रूरी है कि उसको हलाल हराम की तमीज़ हो जाए उसे जायज नाजायज का फर्क पता चल जाए जी हाँ इतना इल्म तो हासिल करना जरूरी है तो प्यारे बच्चों प्यारी बच्चियों आप बड़े खुशनसीब है आप काबिल मुबारकबाद है कि आप दीन का इल्म ऑनलाइन इदारे के जरिए ही सही मगर आप हासिल कर रहे हैं लेकिन फिर आखिर आखिर में मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि देखो अल्लाह कुरान पाक में यह भी कहता है महमद ए नबी कह दीजिए हल्लीन आलमून वदीन अलमू के आप कह दीजिए कि क्या वो लोग जो, जो इल्म रखते हैं और वो लोग जो इल्म नहीं रखते क्या वो बराबर हो सकते हैं नहीं बराबर हो सकते जैसे एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने जिसको अल्लाह ने देखने की ताकत दिया है आँखों में बसारत और नूर दिया है वो शख्स और एक वो शख़्स जो नाबीना है अंधा है दोनों बराबर नहीं हो सकते इसी तरह जाहिल और आलिम कभी बराबर नहीं हो सकते इसलिए प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चियों जितना हो सकता है आप इल्म हासिल करें और दुनिया के इल्म के साथ साथ दीन का इल्म भी हासिल करें कोई मुश्किल नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है जी हाँ आप घर बैठे भी अगर आपने सही तरीके से मेहनत की आप घर बैठे भी हाफिज बन सकते हैं हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मदर्स मदरसों का जो मामला है नहीं उस्ताद के सामने बैठ कर इल्म हासिल करने का जो मजा है और जो फ़र्क है वो ऑनलाइन में नहीं आ सकता ये भी मैं मान रहा हूँ ऐसा ना करें आप कि कोई ये ना कह दे कि ओहो मुफ्ती साहब आप तो मदरसों को बंद करवाना चाह रहे हैं ऐसा भी नहीं है उस्ताद की जो तरबियत होती है उस्ताद के सामने बैठने का जो मज़ा होता है और फिर उसकी डांट डपट और उसके डंडे उसके लकड़ियों का जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है फिर उसकी जो निगाह होती है उसकी जो शफक्त होती है तरबियत का अंदाज़ होता है उसका मज़ा ही अलग होता है लेकिन अगर आज आज जैसे कोरोना ने डेढ़ साल से दो साल से पूरे मदारस भी बन हैं लेकिन अगर ऐसा मामला है और आप ठीक है अगर आप मदरसे में नहीं जा सकते आप दसवीं पढ़ रहे हैं बारहवीं पढ़ रहे हैं दुनिया का इल्म हासिल कर रहे हैं मदरसे में नहीं जा सकते लेकिन आपको अगर दीन का इल्म हासिल करना है तो ऑनलाइन इदारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा हमारे नौजवान अब बकायदा इस मैदान में भी आगे आ गए हैं जी हाँ इस मैदान में भी आगे आ गए हैं और इस लाइन से भी खिदमत कर रहे हैं अब मैं खुद एक आलिम हूं मुफ्ती हूँ मीडिया मेरी लाइन नहीं थी मीडिया मेरी लाइन नहीं थी जर्नलिज्म कौन सी चिड़िया का नाम है पत्रकारिता कौन सी चिड़िया का नाम है कोई डिग्री विग्री हमारे पास नहीं लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है ओलामा की तरबियत का उस्तादों की तरबियत का और मदरसों का फैज है कि आज मीडिया में तीन साल हुए हैं लेकिन मेरे मौला का कर्म है उसका शुक्र अदा करते हुए बोल रहा हूँ कि पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल वाले पीछे चले गए हैं जी हाँ तो ये कौन से इल्म की बरकतें हैं वही दीन इल्म की बरकतें हैं वही उस्तादों की फैज़ है उनकी तरबियत का नतीजा है कि आज अल्लाह ने और याद रखो प्यारे बच्चों एक बात याद आ गई कि, कि कुरान के इल्म में वो तासीर है दीन के इल्म में वो तासीर है कि जो यहाँ पर अगर मंज गया और जिसने ये इल्म हासिल कर लिया हमारा चैलेंज है दुनिया के किसी फील्ड में उसको डालो इन शह वो नाकाम नहीं होगा जी आलिम और हाफिज़ को आप दुनिया के किसी फील्ड में डालो इन शह वो नाकाम नहीं होगा ये ये इस दिन के इल्म की बरकतें हैं ये कुरान के इल्म की बरकतें हैं ये कुरान के इल्म का नूर है कि कहीं नाकाम नहीं होगा तो प्यारे बच्चों आप दसवीं पढ़े बारहवीं पढ़े कोई बात नहीं बड़ी से बड़ी दुनिया की डिग्री हासिल करें लेकिन आप ऑनलाइन ही सही घर पर माँ के हाथ की रोटियाँ खाकर ही सही हमारी तरह मदरसे की पतली दाल नहीं घर पे ही बैठकर ही सही आज हमारे जवान उलमा मुफ्ती यूसुफ असद जैसे और भी सैकड़ों उलमा जो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस मैदान में आ चुके हैं और मेहनत कर रहे हैं और आप तक के दीन का इल्म पहुँचा रहे तो आप ऐसे ही सही मगर आप दीन का इल्म ज़रूर हासिल करें मैं मुफ्ती यूसुफ असद साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे खादिम मुरीद रिहान शाह को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुफ्ती साहब की पूरी टीम जो ऑनलाइन इदारे के ज़रिए से दीन का इल्म लोगों तक पहुँचा रही है हमारे बच्चों तक हमारी बच्चियों तक पहुँचा रही है मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ इनके लिए दुआएँ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी इस मेहनत को कबूल फ़रमाए अल्लाह उनके इस इनके इस इदारे को कबूल फरमाए इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए और आखिर में फिर मैं कहूँगा कि आप ऑनलाइन इस इदारे का जो आलिमियत और हिफ्ज का कोर्स और शॉर्ट इस्लामिक कोर्स पेश कर रहा है आप इनसे जुड़ें और फ़ायदा हासिल करें दीन का इल्म हासिल करे मैं बस आखिर में दुआएं करता हूं कि अल्लाह ताला आ, तमाम जो आ, हर लाइन से काम कर रहे हैं अल्लाह तब के खिदमात को कबूल फरमाएं और यह भी दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से और यह भी जितनी नई नई बीमारियां आ रही है चाहे वो ब्लैक फंगस हो वाइट फंगस हो येल्लो फंगस हो या जितने भी वायरस आ रहे हैं अल्लाह सब से हमारी हिफाजत फरमाएं अल्लाह जब तक जिंदा रखे हम सबको इस्लाम पर जिंदा रखें मौत दे मेरा मौला तो हम सबको ईमान वाली कलम वाली मौत नसीब फरमाएं जो दुनिया से चले गए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाएं उनकी मकफरत फरमाएं और अल्लाह तला तमाम दीनी मदारिस की हमारे की अल्लाह हिफाजत फरमाएं और आखिर में ये भी दुआ कर रहा हूं आप सब दुआ भी करें कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाएँ फ़लस्ती के हमारे मासूम बच्चों की माओ बहनों की हिफाजत हफाजत क़िबला अव्वल मुक़द्दस की हिफाज़त फरमाएँ और, और दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी यहूदी जो वहाँ क़िबला अव्वल पर कब्ज़ा करना चाहते हैं अल्लाह ताला यहूदियों की तमाम साजिशों को नाकाम फरमाए तमाम मनसूबों को नाकाम फरमाए अल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम का बोल वाला फरमाए इस्लाम का ग़लबा फरमाए ईमान वालों का गलबा फरमाएँ फिर आख़िर में मुबारकबाद देते हुए इन्हीं अशआर पर अपनी बात को खत्म करूंगा कि जिंदगी मांगो किसी से ना मोहब्बत मांगो तख्त मांगो ना किसी ता, ताज हुकूमत मांगो झूठी दुनिया है ये दुनिया की ना शोहरत मांगो सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो अनिल आखर रब्बिल आलमीन